वेजिटेरियन डिश और ये बनाएंगे हम शाकुती। और ये जो शाकुती है वैसे तो चिकन के साथ बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन वेजिटेरियन कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। बटन मशरूम है ये मैंने लिया है, वैसे आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं इसको। कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है, लौंग, उसके साथ साथ काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया। ऐसा लग रहा है जैसे गरम मसाला बनाए हैं। जी हाँ बिल्कुल वैसे ही कुछ। दालचीनी और थोड़ी स्टार एनीस, ये फूल चक्री, बहुत जरूरी चीज, सूखी लाल मिर्चें, ये सब चीजों को भून लेते हैं। चल ये जब तक भून रहा है बाकी तैयारी करते हैं हम। थोड़ा सा तेल इसमें प्याज डाल देते हैं, पिछली रेसिपी में नहीं डाला था तो इसमें डाल देते हैं। ये जो मसाले हैं ये भुन रहे हैं, ये ले लिया, तेल मेरे ख्याल से बस गरम है ही, और चॉप्ड प्याज इसके अंदर, मसाले भी जो हैं वो बढ़िया से खुशबू आनी शुरू हो गई है मुझे, थोड़ा थोड़ा धुआं आना शुरू, और इसमें नारियल ये जो है इसे भी रोस्ट, ध्यान रखें ये जलना नहीं चाहिए लेकिन हल्का सा लाल होना शुरू हो जाए बस फिर इसे निकालें, थोड़ा सा ठंडा करें और उसके बाद इसे हमने पीसना है। हाँ एक चीज रह गई, पॉपी सीड्स, और उसके साथ साथ लहसुन डाल के ये पेस्ट तैयार। ये भुनी हुई चीज है, ये जो पेस्ट है पेस्ट अभी नहीं डालेंगे, पहले एक्चुअली ये जो मशरूम है ये सौते कर लेता हूं मैं, इसमें नमक डालते हैं। अच्छा ये दिखने में कितना ज्यादा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली पकने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है काफी कम हो जाता है, मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स काफी होते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जो पेस्ट हमने बनाई है, पेस्ट डाली, ये देखिए भुना हुआ मसाला, इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ये लीजिए, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा इमली का पल्प, ज्यादा नहीं, खटाई नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा एकदम एज चाहिए इमली का, ये लीजिए। अब मशरूम को बहुत ज्यादा नहीं पकाएं, बस 5-7 मिनट ढक्कन लगाकर इसको पकने दें, फिर इसी तरह से रखें, उसके बाद आप चाहें तो पाव के साथ खा सकते हैं, सन्ना के साथ खा सकते हैं, स्टीम राइस के साथ खा सकते हैं, गोवन रेड राइस के साथ खा सकते हैं, कैसे भी खाएं, प्यार के साथ खाएं, मुस्कुरा के खाएं, और जैसे ही आप जो चम्मच लेकर खाएंगे कहेंगे वाह मशरूम ऐसे पहले क्यों नहीं बने। नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका इंग्रीडियंट। मशरूम शाकुती के लिए हमें चाहिए 40 मशरूम कटे हुए, 10 लौंग, 10 काली मिर्चें, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 3/4 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच धनिया, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 फूल चक्री, 4 सूखी लाल मिर्चें, 1.5 चम्मच खसखस, 1 कप नारियल घिसा हुआ, 3 बड़े चम्मच तेल, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 6 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प। इसे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया, दालचीनी, फूल चक्री, लाल मिर्च, खसखस और नारियल डालकर इसे सुनहरा होने तक भून लें। फिर इसे मिक्सी में डालकर इसके साथ इसमें लहसुन और थोड़ा पानी डालकर इसकी पेस्ट तैयार कर लें। अब एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज डालें, भून लें, इसमें मशरूम और नमक डालकर इसे भी भूनें, फिर इसमें तैयार पेस्ट डालकर मिलाएं। अब 1 कप पानी और इमली का पल्प डालकर इसे धीमी आंच पर करीब 5 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें।